वोट चोरी करके आने वाली हुकूमत उसे मजीद कौम पर मुसल्लत होने का कोई हक हासिल नहीं है। इमरान खान ने तो जाना ही जाना है, ये तो किसी खाते का इंसान ही नहीं है, ये तो एक गैर मुतअल्लिका शख्स है। दुख इससे भी बढ़कर ये कि जो मासूम बच्चे मदरसों के इनके इनकी आवाज पे लब्बैक इसलिए कहते थे कि मुफ्ती महमूद का फर्जंद है, उसके बाद क्या गुजर रही होगी। तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने 600 करोड़ पाकिस्तान के खजाने का, सरकारी खजाने का, किस कानून के तहत एक प्राइवेट कंपनी को जो 6 महीने पहले रजिस्टर हुई थी, और इससे ये साबित होता है कि वो रजिस्टर ही नवाज शरीफ और मुल्क का, नवाज शरीफ के खिलाफ और मुल्क का पैसा बाहर ले जाने के लिए। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इंटीरियर मिनिस्ट्री को वापस लाना चाहिए। मैं मुतालबा कर चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुतालबा कर चुका हूँ, वज़ीर साहब से, एक कम्प्रीहेंसिव इंक्वायरी होनी चाहिए कि नवाज शरीफ बाहर कैसे गए। माजी में आपने जो भी वजह थी उस हुकूमत के लिए, आपने उनके साथ 2 NROs किए, एक जो आपका सरूर पैलेस वाला NRO था, दूसरा आपका 2007 का NRO था। हमारी नज़र में आप ये जो सियासी अशराफिया है, आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम DNA के साथ मैं हूँ सलीम बुखारी, और मेरे साथ हैं मुबश्शिर लुकमान, मगर यहाँ नहीं है, वो कराची स्टूडियो में है। कल उन्होंने प्रोग्राम के अख्ताम पे कहा था कि हम में से एक नहीं होगा, अल्लाह खैर करे, हम दोनों हैं तो जिंदा सलामत, लेकिन एक शहर में नहीं है, मैं यहाँ हूँ, वो कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। आज काफ़ी मौजूआत हैं हमारे पास, मौलाना का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है, प्याली में तूफ़ान बर्पा किए हुए हैं, वो कह रहे हैं हुकूमत को तो जाना पड़ेगा, और अब तो वो जो हमारे सेंसिटिव अदारे हैं, मुक्तदर हल्के कह लीजिए उनको या सिक्योरिटी अदारे कह लीजिए उनको, बराए रास्त उनको भी वो चैलेंज कर रहे हैं। सलीम मांडवीवाला के ख़िलाफ़ नैब में एक्शन जो है वो नैब ने रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है, उस रेफरेंस में जो सबूत हैं, जो दस्तावेजात हैं, उसके ऊपर तो खैर अदालत में बहस होगी, लेकिन सलीम मांडवीवाला ने चूँकि नैब को तलब कर रखा था सेनेट में, जिसके वो डिप्टी चेयरमैन हैं और तरीके इस्तेहकाक के ज़रिए उन्होंने बुलाया था, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। ख्वाजा आसिफ साहब, जिनका आज 10 रोज़ा रिमांड अदालत ने दे दिया है, नैब अदालत ने, उनके खिलाफ भी नए इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो उनका अकाउंट है उससे कुशमाला तारिक साहबा ने भी 3-5 मरतबा जो है वो पैसे निकाले थे, खतीर रकम निकाली थी, उस पर बात होगी। पनामा के बाद ब्रॉडशीट कंपनी के जो मसावी साहब हैं वो भी प्याली में तूफ़ान बर्पा किए हुए हैं, कभी समझ में नहीं आती कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, कभी उनका टारगेट शहजाद अकबर है, कभी उनका टारगेट नवाज शरीफ हैं, तो एक अजीब व गरीब मैस है, इस मैस के हवाले से भी बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ की जो लंदन फ़्लाइट है उसके ऊपर हुकूमत फिर जो है फवाद चौधरी साहब ने नए सिरे से एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है कि जी वो कैसे गए थे, फ्रॉड था, उनकी रिपोर्ट्स गलत थी या क्या था, ये कसिया भी फिर दोबारा जो है वो शुरू होने जा रहा है, इसके ऊपर भी देखेंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से भी बहुत आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सियासी मौजूआत हैं आज उनको तो हम ज़रूर यानी इस प्रोग्राम में डिस्कस कर लें। मुबश्शिर, जो मौलाना फजल रहमान साहब का जलसा है आपने सुन लिया होगा, आज तो बड़े टाइम से हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी आवाज़ जो है गंभीर होती जा रही है, और वो अब मुख्तदर हलकों को भी टारगेट कर रहे हैं। इमरान खान साहब को तो वो कह ही रहे हैं कि इससे पहले कि हम आपको निकाल दें आप खुद से इस्तीफ़ा दे के चले जाएं, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। जलसा जो है वो कई एतबार से जो है वो लॉरेलाई की तारीख में कहते हैं, इतना बड़ा इज्तिमा कभी हुआ नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को मुबश्शिर? भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक बात हूँ, मैं पहले दिन से एक बात का कायल हूँ कि मौलाना फजल रहमान एक जीरक सियासतदान है और वो हवा में धमकियाँ नहीं देते, और उनको कोई TV पे 10 मिनट की ज़रूरत नहीं है, उनको अखबार में हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़ी जमात के वो सरबराह हैं, उनको मीडिया और पब्लिसिटी भरपूर मिलती है, इसलिए उनकी बात को बहुत सीरियस लेना चाहिए। और हर रोज़ की तरह अब हम देख रहे हैं कि उनके जितने जलसे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और तादाद बढ़ती जा रही है, और मौलाना का गम और गुस्सा जो है वो भी एक शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों ने मौलाना को छोड़ा था उनमें से काफ़ी लोग वापस चले गए हैं और जाकर उन्होंने माफ़ियाँ मांगी, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जी हम पे तो जादू हुआ था और हमको उधर तक ले गए थे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है,
और उन्होंने बता दिया कि उनको किस किस का फोन आया था, क्या क्या उनको वादा किया गया। तो उसके बाद मौलाना जो है मजीद गजब में आ गए हैं और ये हकूमत के लिए एक चैलेंज होगा। और मैं ये समझता हूँ, बड़ी देर से समझता हूँ कि हकूमत ये एक कमज़ोरी का मुजाहरा कर रही है कि मौलाना को पॉलिटिकली एंगेज कर लेना चाहिए था, चाहे चौधरी शुजात के थ्रू करते, चाहे चौधरी परवेज के थ्रू करते, चाहे परवेज खटक और मैं कदा कलामी आपकी कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से एक दफ़ा एंगेज किया गया था जब उन्होंने धरना दिया था इस्लामाबाद में, आपको याद होगा, तब भी चौधरी ब्रदर्स जो है उन्होंने ही रोल अदा किया था और वो अपना धरना जो है वो वापस लेके चले गए थे आराम से। हर चंद के उसके अंदर उनका उन्होंने तज़किरा किया कि बहुत से वादे वहीद हुए थे जो पूरे नहीं हुए हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि हुकूमत को उन्हें एंगेज करने में कबाहत क्या है, वो उनसे बातचीत करने के लिए किसी तरफ आ ही नहीं रहे और मौलाना जो है वो इस तेज़ रफ्तारी से भागते चले जा रहे हैं, तो इनको फिर पकड़ेगा कौन? अगर ये वो बिलाखिर लॉन्ग मार्च के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँच गए तो फिर तो और ज़्यादा अजाब होगा, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं वो ये कि मौलाना जो को है उसको सीरियसली लेना चाहिए, उन्हें आप खुली छुट्टी देंगे अगर तो वो उनके लिए मुसीबत बनेंगे, तो फिर हुकूमत सो क्यों रही है? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। बुखारी साहब, थोड़ी देर पहले ना इस प्रोग्राम से मैं अभी चंद लोगों को मिला हूँ जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है कराची में, और बड़े अहम लोग हैं, और वो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई, उनका जो मर्ज़ी कह लें ये लॉन्ग मार्च तो होनी है और ये इस्लामाबाद होनी है और हमने इस्लामाबाद को चोक कर देना है कि खुद इमरान खान ने मजबूर हो जाना, ये पीपल्स पार्टी वालों का कहना था। और मौलाना ये वही पीपल्स पार्टी है जिसके बारे में कह रहे थे कि ये रास्ते में डिच करेगी पीडीएम को। जी, आज उन्होंने मुझे ये बात कही है तो मैंने उनको आपको मनोमन वो बात आके दोहरा दी है, यानी आई हैव नो रीजन टू डिसबिलीव देम उनकी इस बात को। अब बात यह है कि मौलाना जो हैं उनको पीटीआई कुछ समझती नहीं है, और यही पीटीआई की जो पॉलिटिकल थिंक टैंक है उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो समझते हैं कि उनका जितना वोट बैंक है पीटीआई का वो डिफाइंस में है, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे मियाँ साहब हों, चाहे मौलाना हों या कोई भी हो, उनकी डिफाइंस में। लेकिन मेरा वोट बैंक क्रिएट करना और बात होती है और गवर्न करना और बात होती है। आई थिंक मौलाना फजलुर रहमान जो है आने वाले दिनों में ना सिर्फ इस्लामाबाद के लिए बल्कि पिंडी वालों के लिए भी बड़ी मेजर दर्द सर बनने जा रही है। मुबशर, एक और बात जो जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, शायद खाकान अब्बासी साहब कैसे जो है वो लिस्ट से निकल गए थे, जो CEL की क्या होती है यार, वो मेरे जहन से निकल गया, उस लिस्ट से निकल गए ECL, और फिर वो अमेरिका चले गए, अमेरिका से वापसी पर वो लंदन में रुक गए, वहाँ कुछ कहते हैं कि उनकी मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब से, कुछ कहते हैं नहीं जनाब टेलीफोन से बात हुई है, वो पैगाम लेके आए हैं वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इस तहरीक के लिए, वो क्या है वो अभी तो खैर मंजर आम पर नहीं आया है, लेकिन जो एक अजीब गरीब सूरत हाल हुई है वो ये है कि अब ये जो जलसे हो रहे हैं, इससे पहले वाला जो था बनू का वो भी, और जो अब लोरालाई में हुआ है, ये मरियम नवाज़ और बिलावल की जो एब्सेंस है, मैं तो इसको सिवाय इसके ये नहीं कहना चाह रहा कुछ और कि इनकी आपस के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग हो कि फलां फलां जलसे में हम आएंगे, फलां फलां जलसे में नहीं आएंगे। आप मुझे ये बताइए कि ये जो अब नई लाइन आई होगी खाकान अब्बासी के ज़रिए, उससे इसमें शिद्दत नहीं आने जा रही? मेरा तो ख्याल ये है कि अब टफ लाइन जो है वो PDM अडॉप्ट करने जा रही है, तो डू यू एग्री विद मी? जी बिल्कुल, और शायद खाकान अब्बासी का ECL से नाम निकलना कोई अचंभे की बात नहीं है, वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े इम्पॉर्टेंट आदमी हैं, उनके बहुत एसेट्स हैं पाकिस्तान में, वो भाग नहीं जाएंगे, तो अगर उनका नाम निकाला है तो कोई गलत बात नहीं की और अच्छा किया ऐसे लोगों का, एज लॉन्ग एज दे कीप ऑन कमिंग एंड फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज़। जहाँ तक बिलावल का ताल्लुक है तो बिलावल का मुझे पता चला कि वो इस वक्त बहुत सीरियसली वर्क कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन और पार्टी पोजिशनिंग के ऊपर और किसको टिकट मिल रहा है। दूसरा एक और चीज़ का फैसला हो गया कि आने वाले जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उनमें टंडू वाला यार से जनाब मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी को नेशनल असम्बली का भी इलेक्शन लड़ाया जाएगा, और इस ज़मीन में उनका वहाँ पे कैंपेन ऑफिस जो है उसके ऊपर भी तैयारी हो चुकी है। एक खबर मैं भी दूँ अगर आपको, अगर आप इजाज़त दें, बहुत बिजी। एक खबर ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो टिकट देने जा रही है सेनेट का कि वो इलेक्शन लड़े और सेनेट के अंदर आ जाएं। मेरे ख्याल से इससे भी काफ़ी हंगामा खेजी में इजाफा होने जा रहा है। तो दो बातें तो तय हो गई हैं, एक तो ये कि जो एक ख्वाहिश थी हुकूमत की कि PDM जो है वो टूट जाएगी या PDM के हिस्से बखरे हो जाएंगे, बिलाखिर मौलाना अकेले रह जाएंगे, वो तो पूरी होने नहीं जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले राणा सनाउल्ला साहब मेरे दफ्तर आए थे, उन्होंने हमें बताया कि जनाब अब तक कोई एक बारीक तरीन दराड़ नहीं है
पीडीएम में, जहाँ तक पीडीएम की कंपोजिशन का ताल्लुक है, और अगर ये सूरतेहाल बरकरार रहती है बाय दैट टाइम कि वो इस्लामाबाद पहुँच जाए, तो मुश्किलात के लिए तो फिर खान साहब को तैयार रहना चाहिए। वो अब जो छतरी थी उनको पर लोगों को ये भी तो बताए ना कि राणा सनाउल्ला साहब ने और क्या क्या दिया आपको? नहीं, और जो चीजें काइंड में मिलती है ना वो मुझ तक नहीं पहुंचती कभी, उसके लिए और लोग हैं, नाम लूंगा तो शर्मिंदा होंगे आप भी, इसलिए कि बहुत सारे हमारे दोस्त उसमें शामिल हैं। फारुख साहब के पास आपके फोन है तो बाकी कौन कौन है? वो फोन तो है ही है ना, वो तो अब आपने मुझे दे दिए हैं, लिहाजा किसी ना किसी दिन मैंने गाड़ी आपकी बाहर खेल लेनी है ताकि वो फोन मुझे आप दें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल के मौलाना फजल रहमान जो है ना इस टिकट पे एग्री करेंगे, और मौलाना की पूरी सियासत और पीडीएम का जो दारोमदार है ना मौलाना की डिफाइंस पे है। मौलाना कह रहे हैं कि ये असेंबलियाँ गलत है, ये पार्लियामान गलत है, ये हुकूमत गलत है, हुक्मरान गलत है, सेनेट गलत है, सेनेट के इंतखाबात गलत हैं, और आज तक अपने हम तमाम हलीफों को वो ये जोर देते आए हैं कि सेनेट का इलेक्शन नहीं करना, उससे पहले मैस रेजिग्नेशंस करनी है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो। लेकिन अपने मुबशर आप ये देखें, नून लीग की तरफ आप ये देखें, जब उन्होंने कहा था कि असेंबलियां जाली हैं और इसमें वो ओथ नहीं लेना चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी तो लड़ा था ना अगर आपको याद हो, तो ये कोई आखिरी हरफ नहीं होता सियासत के अंदर, नथिंग इज द फाइनल वर्ड। लेकिन लेकिन उनके लिए उस वक्त पीडीएम नहीं थी, उस वक्त पीडीएम नहीं थी, उस वक्त सिर्फ एक बयान था, आज एक तहरीक है, तो वो तहरीक जो है उसको बहुत सीरियस डेंट पड़ जाएगा, और ये मौलाना फजल रहमान के लिए इतना आसान सेनेट का इलेक्शन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ये बहुत इम्तिहान वाली। लेकिन ये जो आपके जो मशीर हैं ये सुबह से शाम तक जो कह रहे हैं कि जलसियां हैं, इसने तो हमारे बंदे स्टेज के ऊपर होते थे, ये कह देने से आपका ख्याल ये है कि प्रेशर हुकूमत पर से कम हो जाएगा जो मौलाना फजल रहमान की पीडीएम जो है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको वो ये समझते हैं कि शायद सर्दी की वजह से लोग कम आ रहे हैं, कोई डिसइंटरेस्ट की वजह से लोग कम आ रहे हैं। दूसरा, अब जलसे में कोई नई बात भी तो करे ना बुखारी साहब, बार बार वही बातें जो लाहौर के भाई मेरे थी। भाई मेरे वही है कि लोरा लाई में अगर इतना बड़ा जलसा हो जाता है तो परेशान तो सारे हैं। बहरहाल इस वक्त तो जो ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर मौजूदात जिनका जिसकी तरफ हमने इशारा किया था उस पर बात करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक के लिए।